नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करताल कोचिंग सबसे। तो जो है एसएससी जीडी की तैयारी कर, ठीक है। तो एसएससी जीडी की तैयारी में सिलेबस हम लोग लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कुछ सेट लेके आए हैं जो है प्रश्न फुल सेट सेट हम लोग आपको बना कर दिखाएंगे। और इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे देखोगे कैसे हम करते हैं, हिसाब से आप सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखना है 121 किसका वर्गमूल, 11 का। 121 जो वर्गमूल है किसका वर्गमूल है, 11 का। अभी 11 में 5 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 किसका वर्गमूल होगा, 4 का। 4 में 32 में 4 जोड़ेंगे 36, 36 किसका वर्गमूल हो जाएगा, 6 का। ये किसका वर्गमूल हो गया, 11 का। 11 में 5 जोड़े 16 किसका, 11 5 16 किसका, 4 का। 32 4 36 6 का, 36 बराबर 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 64 आदमी किस काम को 15 दिन में करते हैं, 64 आदमी कितने करते हैं 15 दिन, ध्यान दीजिए 64 आदमी 15 दिन में एक काम करते, 80 आदमी कितने दिन में एक काम करेंगे। नया क्वेश्चन तो सर समझिए, देखिए आदमी गुना समय बटा काम, फॉर्मूला क्या होता है, आदमी गुना समय बटा काम, क्लियर, ध्यान दीजिए। 64 आदमी 15 दिन में एक काम करते हैं, 64 आदमी 15 दिन में एक काम करते हैं, तो 80 आदमी कितने दिन में एक काम करेंगे, 8 से कितने बार में कटेगा, 10 बार में, 8 से कितने बार में, 8 बार में कटेगा, 120 बराबर 10 टू एक्स से ये कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 12 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन आदमी गुना समय बटा काम, 64 आदमी ध्यान दो, 64 आदमी 15 दिन में एक काम, तो 80 आदमी कितने, 8 दही 80 88 64 18 110 से 10 खत्म, एक्स का वैल्यू 12 दिन आप आंसर दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 30% दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, कुल तो 100% होता है, कुल कितना होता है 100%, कितना होता है 100%। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, बॉल वाले कितने हैं परसेंट, शेष कितना बचा बताओ, शेष बचा 70%, नहीं तो अब लड़का कितना, क्रिकेट खेलने वाले कितने, क्रिकेट कितने है? 70 का 30% 40% चौके 28, शेष कितना बचा, शेष बचा 42, कितना बचा 42%, और यही 42% जो किस लड़के के बराबर है, 42% बराबर 21 का 1% बराबर 21/42 कैसे, क्या बार में, दो बार में, तो 1% का वैल्यू 1/2 होगा, कोई भी अपने आप 100% का वैल्यू क्या होगा, 1/2 × 100 दो से काटेंगे 50 बार में आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन कुल कितना परसेंट होता है 100%, कुल कितना परसेंट होता है 100%, फुटबॉल वाले कितने 30%, तो शेष कितना बचा 70। अब कह रहा है क्रिकेट जो है 70 का 40% खेलता है 28, क्रिकेट कितना खेलता है 28, अब 28 क्रिकेट खेल लिया, 70 में से 28 क्रिकेट खेल लिया, रेस्ट कितना बचा 42, यही 42% 21 के बराबर है, 1% कितना के बराबर होगा, तो 100% कितना के बराबर होगा, बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए अगर शेष से शेष बोले तो उल्टा कर सकते हैं 21, सबसे पहले शेष से शेष बोले तो उल्टा कर सकते हैं ना, उल्टा मतलब क्या हो गया बताए थे आपको, किस लिखे 40 ये खेलता है तो रेस्ट कितना बचा 60, 100/60 ये खेलता है तो बचा कितना 100/70, नहीं ये 0 से 0 खत्म, ये 0 खत्म, 42 इक्कीस से क्या बार में, दो बार में, और क्या बार में 50 बार, 50 आपके आंसर 21, 40 खत्म तो 100/60, 30 खत्म तो 100/70, उल्टा उल्टा कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से आपका 50 आंसर निकलेगा, और उल्टा करके भी हम बना सकते हैं ना। एक और तरीका भी है, एक और तरीका कैसे, देखिए पहले कितना खेला फिर कितना खेला 40, माइनस माइनस प्लस
चालीस बटा सौ, चालीस बटा सौ माइनस सत्तर प्लस बारह, माइनस सत्तर प्लस बारह सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा माइनस बयाल सत्तर में से बारह जाएगा यानी कि साठ एट परसेंट हो गया, फिफ्टी एट परसेंट खर्च हो गया। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा बयालीस, यही बयालीस परसेंट जो है, बयालीस परसेंट इक्कीस के बराबर है। एक परसेंट क्या होगा इक्कीस बटा बयालीस, सौ परसेंट क्या होगा इक्कीस बटा बयालीस गुना सौ। बहुत सारे तरीके हैं, जो अच्छा लगे ना उसको आप बना लीजिएगा, कहीं जाएगा पचास आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहे हैं, 750 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन सप्ताह का, 750 सैनिक कितने सप्ताह खा लिए, चार सप्ताह, उसके बाद 450 और जुड़ गए, अच्छा 1200 सैनिक कितने दिन में खाएंगे। अच्छा नहीं, 750 सैनिक के लिए कितने दिन का भोजन था, 20 सप्ताह का, 750 व्यक्ति कितने सप्ताह खाए, चार सप्ताह, 750 के साथ 750 के साथ 450 और जुड़ गए तो 1200 कितने खाएंगे। एक तरीका तो ये हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 750 गुना 16, 750 गुना 20 माइनस 750 गुना 4 बराबर 1200 गुना 750 कॉमन ले लें, 750 कॉमन ले लें तो 20 माइनस 4 और 1200 इंटू एक्स, 750 गुना 16 और 1200 गुना एक्स। बोलिए कुछ कटेगा क्या, जीरो से जीरो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो पहले उड़ा दीजिए, 75 गुना 16 और 120 गुना 15 अठे 120, 15 पचे 75, 8 से 2 बार में तो एक्स का वैल्यू आपका 10 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, अच्छा तरीका भी है आपका, 750 दिन व्यक्ति के लिए कितने सप्ताह का भोजन था, 20 सप्ताह, 4 सप्ताह खा लिया तो कितने सप्ताह का भोजन बचा, 750 व्यक्ति के लिए 16 सप्ताह का भोजन बचा, और इसको खाने के लिए 750 के साथ कितने लोग जुड़ गए, 450 और जुड़ गए, कितने दिन भोजन चलेगा, 750 व्यक्ति का 20 दिन का भोजन था, 750 व्यक्ति का 20 दिन का भोजन था, उसके बाद क्या हुआ कि 4 सप्ताह चल गया, 20 सप्ताह में 4 सप्ताह चल गया तो कितने दिन का भोजन बचा, 16 सप्ताह का बचा। अब क्या हुआ, 750 के साथ 450 और जुड़ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा, भोजन कितने दिन चलेगा तो 750 गुना 16 और ये 1200 गुना एक्स, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 15 अठे 120, 15 पर 6 75, 8 से 2 बार में, 8 से 2 बार में एक्स का वैल्यू 5 गुना 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर एक आप आंसर दे, तो तरीका सही। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, ए और बी आय का अनुपात क्या दिया हुआ है बताओ, 5:5, खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ, 8:5 और 2, सी भी शामिल है नहीं, बचत क्या दिया हुआ है, ए बचाता कितना है, 200 खर्च कर, 2000 खर्च करता है, 2 का वैल्यू 2000, सी खर्च कितना करता है 2000, तो 2 का वैल्यू जब 2000 है भाई, 2 का वैल्यू 2000 तो 1 का वैल्यू 1000, 5 का वैल्यू 5000 और 8 का वैल्यू 8000, यहां तक तो सही है। अब क्या कह रहा है, बी 700 बचाता है, अब बताओ बी जो है 5000 खर्च किया, 700 बचाया, ये 5000 खर्च किया 700 बचाया, कम कितना हो गया, 5700 क्या हो गया, आय हो गया इसका, बी का आय निकल गया 5700। अब बताइए 3 का वैल्यू कितना, 5700 का वैल्यू 5700 बराबर 5700, 1 बराबर 1900 नहीं, इस पचे 9500 हो गया एक का इनकम। अभी जब बताओ उन बचत निकल गई, 9500 में से 8000 खर्च करता है, 9500 में से 8000 खर्च करता है, एक का बचत बताओ, 9500 माइनस 8000 सॉल्व करेंगे 1500 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर एक, देखिए ए और बी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3, खर्च का अनुपात 8:5, 5:2,
का बचत कितना दिया है, सी का 2000, तो 2 का वैल्यू 2000, 2 का वैल्यू 2000, 1 का वैल्यू 1000, तो 5 का वैल्यू 5000, 8 का वैल्यू 8000। अब 5000 ये बचाया और 5000 खर्च किया और 700 बचाता भी है, 700 क्या करता है, बचाता है 5700। हम कह सकते हैं 5700 दो का वैल्यू 5700 का वैल्यू 1900, 9595, 9500 कमाता है, 8000 खर्च करता है तो बचाता कितना है 1500, 9500 कमाया, 8000 खर्च किया तो बचाया कितना 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र का दुगुना था, पिता की आयु का क्या था दुगुना, नहीं रेशियो कब का है 6 साल पहले और 10 साल बाद का योग दिया, 10 साल बाद योग दिया। हमने सिखाया था जिस साल का रेशियो दिया रहे उस साल का वैल्यू निकालते, जिस साल का रेशियो दिया रहे उसी साल का वैल्यू निकालते, 10 साल बाद का योग दिया हुआ है, वर्तमान योग बताओ पहले, वर्तमान योग दोनों 10-10 घट जाएगा, 62 - 10 - 10 यानी क्या हो जाएगा बाबू 42। अब बताओ 6 साल पहले योग बताओ, साल पहले योग, साल पहले का बात करेंगे, 6 और घटेगा दोनों, नहीं 12 और घट जाएगा तो 30 आ जाएगा। अब बताइए दोनों का जो रेशियो कितना है, 2:4 गुना है ना, 4 गुना, 4:1, 4:1, 5 का वैल्यू किसके दे देखो, 6 साल पहले का योग आ गया, 6 साल पहले का रेशियो आ गया, 6 साल पहले का योग आ गया, 6 साल पहले का रेशियो आ गया, 5 किसके बराबर है भाई 30 के, तो 1 किसके बराबर होगा 6 के, 6 × 4 = 24, 6 × 6 = 24, 6 साल पहले अगर कोई 24 साल का था, 6 साल पहले 24 साल का था तो आज कितना साल का है, 6 साल का, वर्तमान में क्या कितना हो जाएगा 30, 6 साल पहले ये 6 साल का था तो वर्तमान में ये कितना हो जाएगा, 6 और जुटेगा 12, नहीं तो अब अंतर की बात करें, अंतर साफ साफ दिख रहा है, अंतर 18 वर्ष का हो जाएगा, कितना वर्ष हो जाएगा 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ध्यान दीजिए, 6 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, 10 साल बाद का योग दिया, हमने कहा था जिस साल का रेशियो दिया रहे उसी साल का वैल्यू निकालते, रेशियो अगर प्रेजेंट तो वैल्यू भी प्रेजेंट, रेशियो 6 साल बाद तो वैल्यू भी 6 साल बाद, 6 साल पहले का रेशियो दिया है तो 10 साल बाद का योग दिया है तो पहले वर्तमान योग निकाले, दोनों को 10-10 घटाएंगे तो 42 आ गया, 6 साल पहले जाएंगे दोनों दोनों फिर 6 घटेगा, तो अब देखिए 30 आ गया, दोनों का जोड़ 4 × 1 = 5, 5 का वैल्यू 30 के बराबर, 5 का वैल्यू 30 के बराबर, 1 का वैल्यू 6 के बराबर, 4 का वैल्यू 24, 1 का वैल्यू 6, अच्छा 24 कब, 6 साल पहले, 6 साल पहले पिताजी 24 साल के थे तो आज कितने साल के होंगे 30 साल, और 6 साल पहले पुत्र अगर जो था, पुत्र अगर कितना था 6 साल, तो आज 12 साल, तो अंतर कितना 18, और अंतर हमेशा सेम होता है चाहे 6 साल पहले लो चाहे वर्तमान में लो, यहाँ भी अंतर कितना था 18, आप कह सकते थे कि 6 साल पहले भी अंतर क्या होगा 18, 6 साल पहले भी अंतर 18, आज भी अंतर 18, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, और जिस साल का रेशियो दे रहे उसी साल का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है क्या कर रहा है, 5 को पेंसिल 6 को रबर का रेट कितना है 1.80 रुपये, अब कह रहा है 2 को पेंसिल और 2 को रबर का रेट कितना है 92 पैसा, दोनों को जोड़ दीजिए 8 पेंसिल और 8 रबर का रेट कितना आ गया 1 रुपये, यहाँ 2 × 8 = 9, 8 = 17, 9, 8 = 17, 1, 1, 2, 8 से काटो 8 कॉमन ले लीजिए, पेंसिल और रबर का रेट निकल जाएगा 0.72, 8 से काटोगे 8 + 8 = 24, 8 × 24 = 32, यानी 34 पैसा आना चाहिए, कितना आना चाहिए पेंसिल और रबर का रेट 34 पैसा आना चाहिए, ऑप्शन में देख लो 34, यही एक ऑप्शन है दोनों को जोड़ने पर कितना पैसा आना चाहिए 34 पैसा, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जैसे ही जोड़े पेंसिल और रबर का रेट निकल गया 34 पैसा, नहीं ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है कि जोड़ के दोनों का पेंसिल और रबर का रेट देके 34 पैसा आ रहा है, एक ही ऑप्शन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% अंग्रेजी में पास, देखिए एक फॉर्मूला होता है फुल पास बराबर, फुल पास बराबर क्या होता है
पास प्लस पास माइनस पास, नहीं चलिए 60% अंग्रेजी में पास, 70% मैथ में पास और 20% दोनों में फेल है, 20% दोनों में फेल है, तो 80% क्या निकल जाएगा पास, 80% क्या हो जाएगा पास। अब सॉल्व करोगे 113 हो जाएगा, 130 माइनस 80 क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा, हमको लगता है 50 आ गया ना, फुल पास 50%, 50% का वैल्यू दिया हुआ है 581, 1% क्या होगा, 1% क्यों निकालोगे, 100% निकाला है ना, 100% इसका डबल हो जाएगा, डबल करोगे तो डबल करके देख लो क्या हो जाएगा, डबल करोगे तो 2, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 1 = 11, 1162 आ जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, फुल पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद आ गया 50%, तो 50% पास है, तो पास किधर है 581, तो टोटल 100%, 100% यानी डबल, डबल देख लो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बात समझ में आया, डबल देख लो कौन सा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्रिकेट खिलाड़ी एवरेज कितने का है 43, तो दो तरीके से माना, माना पहले तो पहले देखिए तरीका कैसे, संख्या गुना औसत बराबर योग, संख्या गुना औसत बराबर क्या होता है योग, 10 व्यक्ति का एवरेज 43 है, कितना होगा 400, एक व्यक्ति शामिल हुआ और एवरेज एक घट गया यानी क्या हो गया 42, 2, 4, 2, 6 और 4, 462, नया व्यक्ति कितना हो जाएगा 32। पसंद में आया, 10 व्यक्ति का एवरेज कितना था 43, एक व्यक्ति शामिल हुआ एवरेज एक घट गया, टोटल सॉल्व किया तो 462 हो गया, यानी नए व्यक्ति जो हो गया 32 वर्ष का है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक और तरीका है, पुराना औसत फॉर्मूला होता है, पुराना औसत प्लस, नहीं देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं, पुराना औसत प्लस माइनस नई संख्या ना वृद्धि, या पुराना औसत कितना था बताओ 40, आने के बाद बढ़ रहा है घट रहा है, आने के बाद घट जाए तो वो माइनस, पुराना औसत माइनस, नई संख्या कितना है 11 और वृद्धि या कमी एक का, 43 माइनस 11 करेंगे 32 आ जाएगा। देखिए पहले से एवरेज क्या था 43 और एक व्यक्ति आया एवरेज घट गया, एवरेज घटा तो 11 होगा ना, एक घटा दिया तो पहले से एवरेज 43 था और हर व्यक्ति का एक घटाएगा तो 11 होगा, एक घटा दिया तो अब यानी कि उसका पहले से एवरेज क्या था 32, एवरेज क्या था 32, समझ गया बात। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कैसे बनाने का प्रयास किया, तो थोड़ा सा डाटा देखना पड़ेगा, डाटा क्या है, चार बैंकों द्वारा वितरित ऋण करोड़ों में है, ठीक है चार बैंक का दिया हुआ है, सभी बैंकों द्वारा इन वर्षों में दी गई राशि का औसत किस वर्ष में, सभी बैंकों द्वारा वर्षों में दी गई राशि का औसत किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा दी गई औसत राशि के समान है। ये देखो ये डाटा पढ़ना है, डाटा पढ़ के इसको बनाना है, ठीक है, सभी बैंकों द्वारा इन वर्षों में दी गई कुल राशि को, बैंकों में दी गई कुल राशि को औसत सबको जोड़ देना है, ठीक है, किस वर्ष सभी बैंकों के औसत द्वारा दी गई और कुल ऋण की राशि के समान है, सभी बैंकों द्वारा दी गई कुल राशि के ऋण के समान, क्या करेंगे कुछ सबसे पहले इन सबको जोड़, क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, जोड़ तो ऑलरेडी दिया हुआ है 87, 104, 113 और 1, चारों का एवरेज क्या होगा, चारों को जोड़कर 4 से भाग, चारों को जोड़कर 4 से 87, 104, 113
और 100/4, ठीक है, तो चार एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए या तो चार से भाग दो, या देखो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 13, 100 से कितना ज्यादा है 4, 100 से कितना ज्यादा है 13, 100 से कितना ज्यादा है 20, नहीं केवल इसके एवरेज निकालो। 24/4 कितना आ गया, लगभग 6, ठीक है। 100 से 6 ज्यादा, 100 से 6 ज्यादा यानी 106 के बराबर कौन सा वर्ष है, कौन सा वर्ष है 106 के बराबर, एक ही लगभग लग रहा है 2008। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर कौन सा, दो। सबसे पहले एवरेज निकाल दिए, एक एवरेज अमाउंट 100 मान लिए, 100 से कितना कम और 100 से कितना ज्यादा, तो प्लस 6 आ रहा है, तो 6 आ गया। 106 कौन से ऑप्शन में बराबर है, यही एक ऑप्शन है जहां पर 104 आ रहा है, 2008 आप आंसर दे सकते। अच्छा इसको बताओ, 2009 से 10 में, 2009 से 10 में क्या पूछ रहे हैं, 2009 से 10 में सभी बैंकों द्वारा जाकर दी गई कुल राशि में प्रतिशत वृद्धि क्या था, 2009 से 10 में, 9 से 10 में कितना बढ़ा, कितना बढ़ा बताओ, 7, 113 था और 120 हो गया, कितना बढ़ा 7, किससे बढ़ा, 113 से गुना 100, कैलकुलेशन करेंगे 700/13% आ जाएगा। ऑप्शन देख लो, 700/13 कौन देगा, 78, 73, 91, हमको लगता है यही एक ऑप्शन है तो देगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन में कितना बढ़ा 7 बढ़ा, किससे बढ़ा 113 से गुना 100, डायरेक्ट बना सकते हैं नहीं, बोलिए। अगर किसी चीज जाकर कोई दूसरा चीज बनाया जाए तो उसका आयतन क्या होता है, बराबर। अगर किसी चीज जाकर कोई दूसरा चीज बनाया जाए उसका आयतन क्या हो जाता है, बराबर, नहीं। तो पिघलाकर कोई दूसरा चीज बनाएगा तो आयतन क्या हो जाएगा, बराबर। 4/3 पाई कॉमन लेके अगर काट दोगे क्या बचेगा, आर क्यू बराबर आर वन क्यू आर टू क्यू आर थ्री क्यू। रेडियस क्या क्या है, 6, 8, 10, इसका आधा डायमीटर है, व्यास है। रेडियस क्या होगा, इसका आधा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बोलो क्या क्या हो जाएगा, 9, 16 और 25, 50 आ जाएगा ना। आर क्यू बराबर क्या निकल गया, 50, नहीं ये मामला यहीं पर फंस रहा है, थोड़ा सा क्या फंस गया, क्यूब है ना, क्यूब ना है, क्या क्या है बताओ, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, 27, 64 और 125, जोड़ोगे 5, 4, 9, 9, 7, 16, 216 आ जाएगा, क्यूब रूट 216। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 6, कौन सा, रेडियस तो 6 निकल गया, व्यास पूछ रहा है, व्यास अगर निकाला जाए तो व्यास डबल हो जाएगा, 2R होता है, 2R होगा तो 2×6 यानी 12 आप आंसर दे सकते हैं। तो गलती से रेडियस 6 मार के चलाएंगे, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है, तो जो पूछे उसके हिसाब से हम काम करना, बात समझ में आ रही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रास्ता बनाया गया बाहर में, बाहरी रास्ता हो जाएगा, बाहर में अगर रास्ता हो जाएगा, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या बताए थे, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्या था फॉर्मूला, 2x × L + B, + L + B, 2x × L + B, नहीं, + -2x, अगर रास्ता बाहर में तो प्लस, अंदर में तो -2 × 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 45 + 25, रास्ता बाहर में कि अंदर में, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च कितना आएगा, बाहर में रास्ता 2 × 2.5, नहीं क्या हो जाएगा बताओ, 5 और 45, 50, 60, 70, 70 और 5, 75 आएगा, 75 का 5 गुना कितना होगा, 5, 5, 25, 5, 7, 35, 2, 37, 375, तो 75 आ गया। अब कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 10 रुपया है, तो 75 मीटर स्क्वायर का खर्च क्या हो जाएगा, तो 75 × 10 यानी 3750 आपका आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर कौन सा मार सकते, ऑप्शन नंबर 3 आप आंसर लगा सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आप लोग तेजी में बना सकते हैं ना। चलो क्या कह रहे, 8 संख्याओं का औसत 14 है, 8 संख्याओं का औसत 14 है और 6 संख्याओं का औसत 16 है। दो वो बचा तो दो का एवरेज निकालना, तो किससे भाग देंगे, दे 14 8 है 812 रन हो जाएगा, 32 का 2 8 का 8 3 11 16 96 और एवरेज निकालना तो किससे भाग, 2 से, यहाँ क्या हो जाएगा 4 12 4 16 बटा 2, यानी आप 8 आंसर दे सकते। 8 संख्याओं का औसत 14, 14 गुना 8, 8 संख्याओं का औसत 14 तो 14 गुना 8, 14 गुना 8, 6 संख्याओं का औसत 16, 16 गुना 6, एवरेज निकाला तो किससे भाग देंगे, 2 से, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो होगा देखिए आप टिक मार दीजिए। चलिए पी क्यू कितने दिन में करता है बताओ, 12 दिन। क्वार उस काम को कितने दिन करता है, 15। पी की क्षमता आर की क्षमता से दुगनी है, क्षमता आर की क्षमता से दुगनी है, 3 का उल्टा क्या होगा बाबू, क्षमता। ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करो सेम हो जाए, 12 पच्चीस 60 है, 15 चौके 60 नहीं। तो अब बताओ क्यू की क्षमता कैसे निकालो, पी और क्यू मिला के कितना क्षमता है, 5, जिससे पी का 2 है तो क्यू का क्या बचा, 3, और क्यू आर मिला के क्या होना चाहिए, 4 हो गया, 4, 12 25 8 15 चौके 60। देखिए पी क्यू का कितना था क्षमता, 5, अगर क्यू का क्षमता निकालना है तो में से क्या घटाना होगा, पी क्यू में से क्या घटाना होगा बताओ, क्यू का क्षमता 5 पी का 2 यानी कि 3 निकल गया, क्या कि आ क्या क्या कर सकते ध्यान दो, क्यू निकालना है क्यूआर में से क्या हटाना होगा, आर 4 में से 1 गया, 3 क्षमता आएगी, नहीं, 15 चौके 60 12 पच्चीस 60 तो 60 एकम 60 और 20 दिया 60। बोली क्या पूछ रहा है, क्यू उस काम को कितने दिन में करेगा, तो क्यू जो है इस काम को 20 दिन में करेगा, क्यू इस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन। आप आंसर दे सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4% मिश्रधन इतना है, 1% ज्यादा हो जाए तो मिश्रधन क्या होगा, अगर 1% बढ़ जाएगा तो 4 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 4% नहीं तो 2016 तो मिलना ही मिलना है, प्लस 1200 का 4% और बढ़ जाएगा, नहीं 2016 तो मिलना ही मिलना है, और 4% एक साल में 4% बढ़ेगा, नहीं 4% एक साल में 4% बढ़ जाएगा, तो 12 चौके 48 8 6 14 4 1 5 1 6 264 आपका आंसर आ जाएगा, 16 3 48 64 2064। ऑप्शन नंबर कौन सा दे सकते, ऑप्शन नंबर 3, बात समझ में आ रही, 2016 तो मिलेगा ही मिलेगा, 2016 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 1200 4% एक साल बढ़ जाएगा, तो 1200 का 4% एक साल का ब्याज क्या हो गया, निकाल लिए, यानी 2064 आप आंसर दे सकते। क्लियर, बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी, किसे जा, ए ने 5% लाभ पर इसको और बी ने 6% लाभ पर इसको, कल सा बात है 5% लाभ पर बेचा तो 105%, 105% का वैल्यू 420, 1% का है 100% का वैल्यू निकाल सकते, 100% का वैल्यू निकाल दो, 420 बटा 105 गुना 4 बार में कटेगा यानी 400, ठीक है, यानी कि इसको कितना रुपए, 20 रुपए का लाभ हुआ, रुपए का किसको, और बी ने 6% लाभ बेचा, ने दिया 6% लाभ, 106% 106% का वैल्यू 477, 100% का वैल्यू निकालो, 477 बटा 106 गुना 100, 477 बटा 106 गुना 100, क्लियर,
क्या कैलकुलेशन करेंगे, दो से कितनी बार में, कितनी बार में, 50 सत्य कैसे हमको लगता है 7 बार में कटेगा, 100 से 9 बार में कटेगा, 9 से मल्टीप्लाई करो 27 9 5 45 46 70 हाँ ठीक है 9 बार में कट जाएगा 9 5 45, तो कितना रुपए का लाभ हुआ, तो 27 रुपए का लाभ हुआ, 27 रुपए का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है भाई, 27 का लाभ और इसको का लाभ, तो लाभ ज्यादा लाभ किसको मिला, बी को, और कितना रुपया ज्यादा लाभ मिला, 7 रुपया, बी को 7 रुपया ज्यादा लाभ मिला, बी को 7 रुपया ज्यादा लाभ मिला, समझ में आ रही है बात, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। पहले 30% बढ़ गया, पहले कितना परसेंट बढ़ा, 10% नहीं परसेंट बढ़ा, फिर कितना परसेंट बढ़ा, 10% छूट दिया गया, और फिर 10% एक बार बढ़ा दो बार घटा, कैलकुलेशन करोगे भाई 1000 ये 1053 आ जाएगा, कितना रुपए का फायदा हुआ, अपन का किस पे 1000 पे ना 100 कैलकुलेशन करेंगे 5.3% बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा यानी वृद्धि आ जाएगी, ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर दो, पहले 30 बढ़ा फिर 10 घटा फिर 10 घटा, पहले 30 बढ़ा फिर 10 घटा फिर 10 घटा, सॉल्व करेंगे ना तो 1000 से 1053 हो गया, कितना बढ़ा 53 बढ़ा, कितना बढ़ा 53 बढ़ा, किससे बढ़ा 1000 से बढ़ा ना 100 यानी 5.3% वृद्धि आप डाल सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला आप सीखे होंगे, पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, नहीं पहली संख्या कितनी दी 204, दूसरी संख्या नहीं पता, एलसीएम 42 84 और एचसीएफ 34, ठीक है एचसीएफ 34 हमको लगता है 6 बार में कट जाएगा, 6 7 42 अच्छे कम 6 4 7 14 ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर एक आप आंसर दे, पहली गुना दूसरी, पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम का एचसीएफ, बोलिए इतना में खरीदा है इतना कितना है बेचना, क्रयमूल दिया हुआ है, क्रयमूल से विक्रयमूल निकालना है, अगर क्रयमूल दिया हुआ है और विक्रयमूल निकाला है तो आप जानते हो सीधा सीधा बना सकते हैं 25% लाभ 125/100 नहीं 25 से 4 बार में और 25 से 5 बार में, चरका पहाड़ा याद करो 4 एकम 4 4 2 8 15 4 6 60 12 5 60 और 15 5 75 60 75 60 75 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आप आंसर दे सकते, ठीक है क्रयमूल दिया हुआ है विक्रयमूल है, दिया हुआ है क्रयमूल निकालना है विक्रयमूल, दिया हुआ है क्रयमूल निकालना है विक्रयमूल, तो फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे क्रयमूल से विक्रयमूल की तरफ जाएंगे सीधा होता है, क्रयमूल से विक्रयमूल की तरफ जाएंगे सीधा होता है, इस तरह से करके आप लोग डायरेक्ट बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने केवल डिस्कशन किया समझाया, तो आप लोग कम समय में बना सकते हैं, कब जब कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करेंगे तब, है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, फिर इसके आगे जो आपका सेशन चलेगा कुछ हिंदी के है, जैसे कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके सामने है 100 की गिनती, तो 100 की गिनती तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 100 तक मतलब क्या हो गया शतक, नहीं तो ये सब तो आप लोग खुद से कर लोगे, ये सब ऐसे करवाया जाएगा अभी, तो चलिए इतना दूर आप लोग मैथ्स कंप्लीट कर दिए, फिर हम लोग इसी तरह से 4 दिन आपको पढ़ाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।